कमलनाथ के गढ़ में सेंधमारी करने के लिए बीजेपी हर संभव प्रयास कर रही है। बीते दिनों ही छिंदवाड़ा से भी कई कांग्रेसियों के साथ साथ वर्तमान विधायक एवं महापौर ने भी बीजेपी का दामन थाम लिया है। फिर भी बीजेपी चुनावी तैयारियों में कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। कमलनाथ और नकुलनाथ को घेरने की रणनीति पर आगे कदम बढ़ाती ही जा रही है। अब नकुलनाथ के खिलाफ बीजेपी ने चुनाव आयोग से शिकायत की है। ये शिकायत बीजेपी नेता सुमेर सिंह सोलंकी ने आदिवासियों के अपमान किए जाने को लेकर की है। निर्वाचन पदाधिकारी मध्य प्रदेश को लिखित में ये शिकायत करी है और चुनाव आयोग के द्वारा हमें आश्वासन दिया गया है कि हम इस पूरी कार्रवाई में संज्ञान में लेंगे। बीजेपी जल्द ही नकुलनाथ पर एट्रोसिटी एक्ट के तहत मामला दर्ज कराएगी। पत्र के आधार पर जो नकुलनाथ जी के खिलाफ उचित कार्रवाई होगी वो करेंगे। बीजेपी नेता की शिकायत पर चुनाव आयोग ने भी कार्रवाई का आश्वासन दिया है। बेशक छिंदवाड़ा गढ़ को भेदने के लिए भाजपा कोई भी चूक नहीं करने वाली, तो कांग्रेस एकमात्र सीट को बचाने की जद्दोजहद में है। परिणाम के लिए इंतजार तो करना होगा, लेकिन इस सीट पर मुकाबला बड़ा ही दिलचस्प होने जा रहा है, ये तो तय है।